बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कोकब और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद कोकब जी। तो मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब के लिए ढेरों सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अक्सर आप लोग सोचती हैं कि आज क्या पकाएँ, आज क्या पकाएँ, और यही सोच सोच कर आप परेशान हो जाती हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से एक हफ्ते का मेन्यू सेट कर सकती हैं। तो आपकी जो परेशानी है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, ये ख़त्म हो जाएगी। तो करना आपने क्या है जी, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, इनाम होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आगे भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए जी, बातें तो होती रहेंगी, अभी अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले जी हमने क्या करना है, हम यहाँ पे दिन सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि हम अगर स्टार्ट करते हैं जी सोमवार से, ठीक है, तो पीर मंगल ऐसे हम सारे सबसे पहले इधर दिन लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ़ी अरसे के बाद हाथ में पेंसिल ली है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। नंबर एक पे हमारा दिन सेलेक्ट हो गया जी, पीर, ठीक है। आगे जी हम लिख लेंगे नंबर दो पे मंगल, इसी तरह हम सारे इधर दिन सबसे पहले सेट कर लेंगे अपने, ठीक है। बुध, बुध के बाद क्या आता है समीउल्ला? बुध, बुध के बाद क्या आता है? जुमेरात। जुमेरात के बाद क्या आता है? जुमा। जुमा। समीउल्ला हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सात। चलें जी, ये हमारे दिन है जो वो सारे मैंने इधर लिख लिए हैं। अब हम मिलके सोचते हैं कि सोमवार को क्या बनाएं, फिर मंगल को क्या बनाएं, ठीक है। तो सोमवार को बनाते हैं जी सब्जी। सब्जी में क्या पकाना चाहिए? सब्जी में हम बना लेंगे जी आलू मटर। हाँ ये ठीक है, आलू मटर ठीक है, आलू मटर ठीक है शमीउल्ला जी। चलें जी, अब बारी आ जाती है मंगल की। तो मंगल को क्या बनाएं? चलें जी आप भी मेरे साथ मिलकर सोचें और मुझे बताएं कि मंगल को क्या बनाना चाहिए। दाल ठीक है, क्योंकि इधर हो गई सब्जी, तो सब्जी के बाद फिर दाल, दाल का दिन आता है। तो दाल कौन सी बनाएं? मेरा ख्याल है मूंग की बनाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो जी हम बना लेंगे दाल मूंग, ठीक हो गया। आगे जी बुध को क्या बनाएं? पीर को तो हो गया शोरबा, ठीक है, जहर सी बात, आलू मटर ना तो उसमें शोरबा भी होगा। मंगल को हो गई दाल, तो बुध को कोई ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसमें शोरबा नहीं होता, तो ऐसी कौन सी सब्जी है? समी सोचें जी। आलू गोभी। वाह जी वाह, आलू गोभी, गुड आइडिया, आलू गोभी। चलें जी आगे आ गई जुमेरात। तो जुमेरात को मेरा ख्याल मोटा गोश्त ठीक है, और साथ में कोई मीठा, क्योंकि जुमेरात को ना वो ख़त्म वगैरह करना होता है ना, तो फिर गोश्त ठीक है, मोटा गोश्त प्लस हलवा, मीठा भी हो जाए ना साथ। अच्छा आगे जुमा है, तो जुमे को मेरा ख्याल है नूडल्स डे ठीक है, बच्चे हो जाएंगे खुश। चलें जी जुमे को बना लेंगे नूडल्स, ठीक है। हफ्ते को फिर मेरा ख्याल है दाल ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे दाल है तो दाल के बाद सब्ज़ी है और सब्ज़ी के बाद मोटा गोश्त, उसके बाद नूडल, तो यहाँ पे फिर दाल आनी चाहिए। चलें इधर कौन सी दाल करें, दाल चना ठीक है क्योंकि वो भी बच्चे खुश होके खाते हैं, तो दाल चना ठीक है। और आगे आ गया जी इतवार, तो इतवार को मेरा ख्याल है चावल ठीक है क्योंकि हम लोग भी जब छोटे होते थे ना तो हमारे घर में हर इतवार को चावल ही बनाए जाते थे, तो ये ठीक है इतवार को जी चावल। अब चावल किस चीज़ वाले होने चाहिए, ये तो मैंने साथ लिखे ही नहीं है, तो चलें जी हम बना लेंगे चने, नहीं चने नहीं, मटर, मटर नहीं, मटर भी नहीं क्योंकि मटर तो ऊपर हो चुके हैं। मुर्गी वाले ठीक है, चलो जी ये हो गया जी हमारा एक हफ्ते का मेन्यू सेट, हमारी परेशानी ख़त्म ठीक है। तो आपने भी अपनी परेशानी को इसी तरह से ख़त्म करना है और इसी तरह से आपने अगले हफ्ते का भी मेन्यू तैयार कर लेना है ताकि आपको कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे इधर पीर को हमने आलू मटर बनाए हैं तो अगले पीर को आप कोई और सब्ज़ी रख लें ठीक है, जैसे ये आलू गोभी, आप यहाँ पर आलू गोभी बना सकते हैं पीर वाले दिन। अब मंगल को हमने इधर रखी हुई है दाल मूँग, तो आप लोग चाहें तो दाल माश भी बना सकते हैं, दाल मसूर भी बना सकते हैं, मतलब आप इसको चेंज कर दें। अब बुध को, पिछले बुध को फ़र्ज करें हमने आलू गोभी बनाई, तो इस बुध को आप कोई और सब्ज़ी बना सकते हैं। तो जुमेरात को, पिछले को फ़र्ज करें हमने मोटा गोश्त बनाया है, तो इस जुमेरात को आप मुर्गा बना लें, बकरा बना लें ठीक है। इस तरह से आप अगले हफ्ते का भी मेन्यू सेट कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे इतवार को चावल हमने बनाए थे मुर्गी वाले ठीक है, तो अगले इतवार को आप चनों वाले बना लें, मटर वाले बना लें ठीक है, जो आपको पसंद हो वो बना लें, चेंज कर करके बना लें। तो इसी तरह से आप अपना मेन्यू सेट कर लें ताकि आपकी परेशानी हो जाए ख़त्म। तो इस हफ्ते की तो मैंने आप लोगों की परेशानी को ख़त्म कर दिया है, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।